30 मिनट के इस लिमिटेड टाइम में डोमिनोज़ वालों ने मेरा पिज़्ज़ा 4 मिनट पहले पहुंचा दिया, और ये भी पूरा चिल्ड है, यानी 26 मिनट में मेरा पिज़्ज़ा मेरे पास है। सही है, ये ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स, अभी इसको साइड करते हैं। तो मैंने ये वेज नॉन वेज दो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, जिसका मुझे कुछ 650 या 60 रुपये पड़ा, और ये ऑफ़र में था। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने आज ऑर्डर क्या किया है। तो वेज पिज़्ज़ा में मैंने डबल चीज़ मार्गरेटा विथ जेलेपिनो के साथ ऑर्डर किया है, और ये नॉन वेज में मैंने डबल चीज़ मार्गरेटा विथ ग्रिल्ड चिकन के साथ मैंने ऑर्डर किया है। डोमिनोज़ मुझे पसंद है उसके टेस्ट के वजह से, और उसका टेस्ट डिपेंड करता है कि आप उस पर एक्स्ट्रा क्या क्या टॉपिंग्स लिए हो। अगर आप उस पर एक्स्ट्रा कोई टॉपिंग्स नहीं लेते हो तो वो एक नॉर्मल सा पिज़्ज़ा ही मुझे लगता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का जो बेस है वो पिज़्ज़ा हट से थोड़ा हार्ड है। ओवरऑल डोमिनोज़ इज़ बेस्ट अगर आपका पिज़्ज़ा 300 प्लस का है तो। फाइनली मेरा पिज़्ज़ा तो आ गया, बट 14 मिनट लेट आया। ये मैंने कॉम्बो में ऑर्डर किया था, तो साथ में गार्लिक ब्रेड भी आया है, और ये साथ में केचप भी है। सही है, और ये साथ में चिली फ्लेक्स एंड ओरिगैनो, विच मेक्स योर पिज़्ज़ा डिलीशियस, और लिखा भी हुआ एडमिट टू मेक इट ग्रेट। सही है, इसको साइड कर। तो अब आते हैं मेन कंटेंट पे। तो पिज़्ज़ा हट वालों ने अपने साथ बॉक्स के साथ कुछ चेंजेस किया है। इससे पहले ब्लैक था, वो ज़्यादा बेटर था। सबसे पहले मैं इस गार्लिक ब्रेड के बॉक्स को ओपन करता हूँ, और ये प्लेन गार्लिक ब्रेड है एज यू गाइस कैन सी, विथ बटर होगा मे बी। अभी इसको साइड करता हूँ। और एक्चुअली मैंने ये जो ऑर्डर किया है ये मैजिक चिकन मेटबॉल पिज़्ज़ा है, जिसका मुझे 325 पड़ा। नाउ टाइम टू ओपन दिस हैप्पीनेस बॉक्स। ओ माय गॉड, लुक्स सो डिलीशियस। और एक बात मैं बता दूँ, इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी टॉपिंग्स ऐड नहीं किया है। सबसे पहले मैं यहाँ से एक पीस ले लेता हूँ। और पिज़्ज़ा हट का मैं अगर बात करूँ तो उसका जो बेस होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है एज यू गाइस कैन सी कंपैरिजन टू पिज़्ज़ा हट। और मैंने इस पर एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिंग्स नहीं डलवाया है, फिर भी इतना कमाल का लग रहा है ये।